तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट के लिए पांच सबसे बेहतरीन बुक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अमोल सोहानी, प्रोफेसर ऑफ एंटोमोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो बुक है वो है यू कैन विन बाय शिव खेरा। स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना आप करते हो, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियाँ आपको आती है, और मन में ये भी क्लियर नहीं होता कि आगे जाके हमें क्या करना है, बिजनेस करना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ऐसे वक्त में मोटिवेशन की काफ़ी कमी हमारे पास होती है, तो हम रील्स देखते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, लेकिन ऐसा मोटिवेशन टेम्पररी मोटिवेशन होता है और कुछ समय के लिए आपको मोटिवेट करता है, लेकिन आप फिर उसी हालत में पहुंच जाते हो। तो इस वजह से परमानेंट मोटिवेशन आपको अगर चाहिए होगा तो मोटिवेशन के लिए इससे बेहतर बुक नहीं मिलेगी। बहुत बेहतरीन बुक है यू कैन विन बाय शिव खेरा, इसको एक रीड ज़रूर दीजिए। दूसरी बुक जो है वो है द अल्केमिस्ट, लिखी गई है बाय पोलो कोलो। तो यहाँ पे एक स्टोरी इन्होंने डिस्कस की है। एक चरवाहा जिसको सपना आता है कि किसी जगह पे हीरे गड़े हुए हैं, तो वो हीरे पाने के लिए उसकी जो कोशिश है, उसकी जो हिम्मत है, उसका स्ट्रगल है, उसकी जो होप है, हर एक कदम पे परेशानियाँ हैं, फिर भी वो उस हीरो तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन बुक है, उसका स्ट्रगल जो है काफ़ी देखने लायक है, पढ़ने लायक है। इस बुक को मोटिवेशन के लिए ज़रूर पढ़ें, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, अल्केमिस्ट बाय पोलो कोलो। तो थर्ड बुक जो है वो है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अब आपको पता होगा कि हैबिट्स का जो मायना है अपने जीवन में वो कितना बड़ा होता है। अगर हम छोटी छोटी हैबिट्स को बना लेते हैं तो वो काफ़ी बड़ा इफेक्ट हमें देती है। वो हैबिट्स जो है वो कंपाउंड होती है, और उस कंपाउंडिंग इफेक्ट को ही इसमें बताया गया है काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों को करके आप कितना बड़ा बन सकते हैं, ये आप इस बुक में सीखोगे। बेहतरीन बुक हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए, और अगर हैबिट्स आपके इम्प्रूव होंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी है काफ़ी अलग दिखेगी। एक साल अगर आप इस बुक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप दूसरा आदमी हो जाएंगे, ये गारंटी पक्की है। इस वजह से ये जो बुक है एटॉमिक हैबिट्स, ये ज़रूर पढ़े, ये आपको छोटी छोटी हैबिट्स से आप कितना बड़ा बन सकते हैं ये बताएगी। ज़रूर पढ़े इस बुक को। तो थर्ड जो बुक है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। तो हमारी जो साइकोलॉजी है वो अलग होती है पैसे के प्रति, और पैसे की भी एक साइकोलॉजी होती है हमारे प्रति। इन दोनों साइकोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस किया है इस बुक में, बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। तो आप अभी स्टूडेंट है तो आपका जो मेन उद्देश्य है वो है पैसा। आप अभी स्टडी कर रहे हो तो आपको आगे पैसा कमाना है, इस वजह से आप अभी पढ़ रहे हो, आपने चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, स्टडी के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हो। किस लिए दे रहे हो? ताकि आपको कमाना है पैसा। तो पैसे की जो फितरत है और हमारी जो फितरत है पैसे के प्रति, ये आपको बताएगा ये बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। बेहतरीन बुक है, और अपने 20s से 30s में ये बुक ज़रूर ज़रूर पढ़नी चाहिए, इसको भी एक रीड ज़रूर दीजिए। देन जो लास्ट बुक है, फिफ्थ बुक, वो है हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है फोकस के बारे में। बेहतरीन बुक है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाला काम होता है वो है फोकस। आप फोकस नहीं कर पाते हो अपने स्टडी के ऊपर या अपने बिजनेस के ऊपर या जो कुछ भी चीज़ें आपके जीवन में चल रहे हैं उनके ऊपर। तो ये बुक आपको डीप फोकस करना सिखाएगा, और अभी जो वैल्यू है वो आपके फोकस की है। आपको नोटिफिकेशन इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आपका फोकस जो है वो आपसे छीन लिया जाए, और वही फोकस का कोई मल्टीनेशनल कंपनी इस्तेमाल करें। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट का नोटिफिकेशन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वो प्रोडक्ट आपको दिखेगा अच्छा सा, आप उसको ऑर्डर करेंगे, वो घर आ जाएगा, आप उसको यूज़ करेंगे या वो कमरे में पड़ा रहेगा। तो कंपनी जो बेचना चाह रही है वो आपको बेच रही है थ्रू डाइवर्टिंग योर फोकस। तो फोकस जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट के लिए। तो कम चीज़ों को करके भी आप बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं, ये बताया है इस बुक में। जो फोकस की वैल्यू है आपके जीवन में
उसकी जो तुलना है वो पैसे से कभी की नहीं जा सकती। लेकिन आपका फोकस डाइवर्ट करके मल्टीनेशनल कंपनीज पैसा कमा रही है और आप अपना फोकस लूज करके आपके मन में एक गिल्ट फीलिंग हमेशा आपको खाने के लिए तैयार बैठी है। तो इस वजह से आपको आपका फोकस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो फोकस के लिए सबसे बेहतरीन बुक हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली, बहुत अच्छी बुक है, इसको भी एक रीड ज़रूर दीजिए। और इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स देख के मोटिवेशन लेने से अच्छा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एजुकेशनल चैनल के ऊपर व्यूज़ बहुत कम आते हैं और डांस के वीडियो पे ज़्यादा आते हैं। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन डांस आपको 2 मिनट के लिए शांति देगा या मनोरंजन आपका होगा, लेकिन एजुकेशन आपको आपके जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए मदद करेगा। इस वजह से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।